हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय वर्ग ग्रिड द्वारा विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखना। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न एक, आयताकार ग्रिड को देखकर नीचे दिए गए सवालों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपकी वर्कशीट में आयताकार ग्रिड दी गई हैं, उन्हें देखकर आपको नीचे दिए गए सवालों के उत्तर लिखने हैं। पहला, ग्रिड में बनी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों, यहाँ हम इस ग्रिड में कुल कितने वर्ग हैं इन्हें गिनेंगे। गिनने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ 20 वर्ग हैं, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 10। दूसरा, क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है? तो यहाँ लिखेंगे हाँ। ख, पहला, ग्रिड में बनी हुई दोनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर ख आकृति में जो ग्रिड दिया हुआ है, आपको उसमें बने दोनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम पूरे ग्रिड के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, जो कि 20 वर्ग इकाई है। अब ग्रिड में बनी हुई दोनों आयतों का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 वर्ग इकाई और 10 वर्ग इकाई। दूसरा, क्या दोनों आयतों का क्षेत्रफल बराबर है? तो यहाँ लिखेंगे हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, पहला, ग्रिड में बनी हुई आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ग में जो ग्रिड बनी हुई है, उसमें आप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो कितना है? 6 वर्ग इकाई। दूसरा, ग्रिड में बनी हुई दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप इस वाले हिस्से का कुल वर्ग क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल है 14 वर्ग इकाई, और इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो जाएगा 7 वर्ग इकाई और 7 वर्ग इकाई। तो यहाँ 7 वर्ग इकाई लिखेंगे। तीसरा, क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है? तो यहाँ लिखेंगे हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी आकृति का परिमाप उसके घेरे की कुल लंबाई होती है, तो आप दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है जहाँ, उसके सामने वाली भुजा को भी 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, और जहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा है उसके सामने वाली भुजा की माप भी 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 18 सेंटीमीटर। तो यह इस आकृति की परिमाप होगी। कितनी परिमाप होगी इस आकृति की? 18 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, दिए गए 1 सेंटीमीटर वर्ग ग्रिड में 5 वर्गों को लेकर जितनी अधिक से अधिक आकृतियां आप बना सकते हैं बनाइए, और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 3 आकृति आपकी मदद के लिए पहले से ही बनाई गई हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस वर्ग ग्रिड में 5 वर्गों को लेकर पहले से ही 3 आकृतियाँ बनाई गई हैं। आप इसमें जितनी आकृति बना सकते हैं आप बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 4 आकृतियाँ बनाई हैं। यदि आप इनसे ज़्यादा बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला, 5 वर्गों से बनाई गई आकृतियों की कुल संख्या। तो कुल कितनी संख्या हो गई? मैंने यहाँ पर 4 आकृतियाँ बनाई हैं, तो मैं यहाँ 4 लिखूँगा। दूसरा प्रश्न, 5 वर्गों से बनी प्रत्येक आकृति का परिमाप। तो यहाँ हम लिखेंगे नीली आकृतियों का परिमाप 12 सेंटीमीटर, लाल और बैंगनी आकृतियों का परिमाप 10 सेंटीमीटर होगा। आप गिन सकते हैं। तीसरा, 5 वर्गों से बनाई गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक वर्ग कितने सेंटीमीटर का है? 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो 5 वर्गों से बनी है तो 5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बताइए दी गई आकृति में हरे भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों, आप हरे भाग का क्षेत्रफल गिनेंगे तो पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 4 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में होगा तो 4 वर्ग मीटर लिखेंगे, और कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं है तो यहाँ हम इसलिए लिख रहे हैं 4 वर्ग इकाई। आप देखेंगे यहाँ 2 पूरे वर्ग हैं और 4 आधे वर्ग हैं। दूसरा, दी गई आकृति में नीले भाग का क्षेत्रफल।
अब नीले भाग का क्षेत्रफल गिनेंगे तो आप पाएंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा, किस भाग का क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो यहाँ आपको बताना है कि किस भाग का क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नीले भाग का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर या 2 वर्ग इकाई ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बैंकिंग प्रणाली। किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए सबसे पहले उस बैंक के खाता खोलने वाले फॉर्म को भरकर आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए पता, प्रमाण, दस्तावेज और पासपोर्ट फोटो के अलावा स्वयं के विवरण की भी आवश्यकता होती है। अब अपने विवरण के लिए निम्न तालिका को पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें आपको अपना विवरण भरना है। चलिए इस तालिका को देखते हैं। तो यहाँ ये तालिका दी गई है, इसमें आप अपना ब्यौरा भरेंगे। आप अपना नाम लिखेंगे, पिता अभिभावक का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, राष्ट्रीयता में भारतीय लिखेंगे, धर्म आप अपना धर्म लिखेंगे, यहाँ जन्मतिथि लिखेंगे, स्थायी पता लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो यहाँ आप अपना विवरण देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 में दी गई उसकी परिभाषा के साथ करें। तो यहाँ आपको कॉलम 1 में दिए गए शब्दों को कॉलम 2 में दी गई परिभाषाओं के साथ मिलान करना है। पहला, लेखा विवरण, तो इसका मिलान करेंगे 6, दस्तावेज जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड है से। दूसरा, शेष बैलेंस, तो इसका मिलान करेंगे 8, आपके खाते में क्रेडिट और डेबिट के बीच का अंतर। तीसरा, निकासी विदड्रॉल, तो इसका मिलान करेंगे क से, जब कोई अपने खाते से पैसे लेता है। चौथा, बैंक प्रभार बैंक चार्जेस, तो इसका मिलान करेंगे ख, जो पैसा लोग बैंक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उसे भुगतान करते हैं। पांचवा, जमा क्रेडिटेड, तो इसका मिलान करेंगे ग से, जो राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। छठा, विकलन डेबिटेड, तो इसका मिलान करेंगे च से, आपके खाते से निकाली गई राशि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, चाहे कोई आपका सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। खाद्य रंग के बारे में बताया गया है, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ समय, खेल, सांप और सीढ़ी, अंताक्षरी, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें, गतिविधि रस्सी कूदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।